व्हाट्स अप यूट्यूब, कैसी अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको गुड़ी पाड़वा की विशेस। आई होप ये साल और आगे आने वाला हर साल सबके लिए अच्छा हो। कोविड केसेस कम हो रहे हैं इंडिया में, विच इज अ वेरी गुड न्यूज, पर एट द सेम टाइम हमें यह भी अपडेट रखना है कि अब्रॉड्स में जैसे चाइना, जापान, यूके, यूएसए, सब जहां पे अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन अनाउंस हो रहे हैं, जैसे शंघाई ये सब अभी लॉकडाउन हो गया है, बेंजिंग ये सब अभी लॉकडाउन हो गया, मतलब वहां पे इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रूल्स है कि अगर 1,000-2,000 केस भी रजिस्टर्ड होते तो लॉकडाउन चले जाता है। आप सोचिए हमारे इंडिया में एवरी डे 1,200 से 1,500 केस रजिस्टर्ड हो रहे, फिर भी कोई ये नहीं, क्योंकि कहते हैं कि हम इंडियंस में इम्यूनिटी स्ट्रांग है, गॉड नोज कितना स्ट्रांग है। तो जब ये केसेस का ये हुआ ही है, तो आप सोचिए जब कोविड का केसेस कम हो रहे हैं, तो महाराष्ट्र, यस महाराष्ट्र ने फर्स्ट अनाउंस किया है कि हम लोग कोविड के सारे रेस्ट्रिक्शंस कैंसिल कर रहे हैं, और जो भी मास्क कंपलसरी था, मतलब मैंडेटरी था, उसे अभी वॉलंटरी कर दिया, मतलब जो खुशी चाहे वही मास्क पहन सकता है, नॉट नेसेसरी कि सबको मास्क पहनना है, और जो फाइन होते थे विदाउट मास्क का वो सब अभी बंद कर दिया है। अ वेरी रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने, आप सोचिए 2020-2021 में जिस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी वेव आया था, महाराष्ट्र वॉज द ओनली स्टेट विच वॉज ऑन नंबर वन अफेक्टेड विद द मैक्सिमम केसेस, सबसे ज्यादा कोविड केसेस यहाँ पे हुए थे। अभी ये पता नहीं पॉलिटिकल गेन के लिए ये अनाउंस किया गया है, ये पता नहीं, पर जो कुछ भी सुनने आ रहा है ये पॉलिटिकल गेन्स की वजह से अनाउंस किया गया है, जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सरकार है, जो भी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, वोट लेना है, इसीलिए पब्लिक जाए भाड़ में। हम लोग ये अनाउंस कर देते तो पब्लिक को लगे कि भाई कुछ तो इन्होंने अच्छा काम कर दिया है। आज गुड़ी पाड़वा का दिन है, मुंबई का मेट्रो सेकंड भी चालू होने वाला है, मंत्री जी आने वाले हैं 4 बजे। आप सोचिए पब्लिक लोग के लिए चालू कर रहे हैं, पर वेट हो रहे हैं मंत्री जी के लिए, जो 4 बजे आएगा, आके इनॉग्रेशन करेगा, तब जाके पब्लिक लोग के लिए खुलेगी, मतलब उन्हें पब्लिक लोग की चिंता नहीं है। जब भी हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर है वो आएंगे 4 बजे, इनफैक्ट दिस इज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन, सुबह सुबह ही ये चालू कर देना चाहिए, क्योंकि आज गुड़ी पाड़वा का दिन है। नॉट ओनली महाराष्ट्रन फैमिली, बहुत सारे हिंदू फैमिलीज है जो ये सेलिब्रेट करते हैं, तो उनको अपने रिलेटिव के घर, फ्रेंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे लोगों घर जाना पड़ता होगा, तो सुबह सुबह चालू करते थे, तो ये बहुत अच्छा एक न्यूज होती थी। पर मंत्री जी आएंगे 4 बजे आके पता नहीं क्या क्या करेंगे, उसके बाद चालू होगा, मतलब आधा दिन तो खत्म ही हो गया। ऐसे ही होता है, जिसको आप वोट देते हो वो कभी आपके लिए काम नहीं करता है, ये हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का पॉलिसी है। तो कोविड केसेस का जो ये हम लोग ने जो पेपर में पढ़ा कि ऐसे ऐसे, तो इतना हंसी आई कि मतलब इतना रॉन्ग डिसीजन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी कि मास्क फ्री कर देना चाहिए, मतलब क्या सोच के क्या लिया भगवान जाने। और आप तो जानते हैं हमारे इंडिया की जो पब्लिक है वो महाचूतिया पब्लिक है, मतलब जब मास्क कंपलसरी था तभी हार्डली कोई मास्क पहनता था, तो कोई मानता ही नहीं था, और जब अब अनाउंस कर दिया कि मास्क नहीं पहनना, तो ये तो पब्लिक मानेगी, ये मास्क कोई पहनता ही नहीं था, तो कहां से मतलब इट्स रियली हार्ड टू एजुकेट, क्योंकि यहाँ की पब्लिक 95% इलिटरेट है, अंधविश्वास है, रिलीजियस बिलीफ में ये सब अंधविश्वास गिरी ज्यादा चलती है, मतलब क्या बोले, एक कल्चर तो नहीं है, बहुत सारे कल्चर रिलीजन्स है, तो सबका दिमाग अलग अलग चलता है। और महाराष्ट्र ने जब ये अनाउंस किया कि ये सबसे रॉन्ग डिसीजन है, भगवान ना करे अभी चाइना ये सब अब्रॉड्स में हो रहे, अगर यहाँ पे कुछ अगर हो गया तो, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी लोग केयरलेस है ही, मुंबई की बात अगर मैं करूं, मैं 2020 से देखता रहा, लोग केयरलेस है ही, मतलब कितना भी एजुकेट करो, कोई भी लैंग्वेज में इनको समझाओ ये नहीं समझने वाले, ये अपनी मनमानी करेंगे ही करेंगे, जो चीज लागू वो करने बोलेंगे वो नहीं करेंगे, और जो चीज नहीं होना चाहिए उसको अगर करने बोलेंगे तो ये सबसे पहले करेंगे, ऐसी हमारी इंडियन पब्लिक है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र को देख के दिल्ली ने भी अनाउंस कर दिया कि भाई हम भी मास्क फ्री और सब रेस्ट्रिक्शन उठा दे रहे। दिल्ली वॉज अफेक्टेड इन सेकेंड कोविड, मतलब ये किस तरीके से ये सब डिसीजन लिया गया, मतलब ये समझ के बाहर है, मतलब
या महाराष्ट्र गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि उन लोग अपने हमारे स्टेट्स को अब्रॉड से कंपेयर कर रहे, यूके यूरोप, भाई वहां का देश एडवांस देश है, वहां की पब्लिक समझदार है, कम पॉपुलेशन है, अपने यहाँ पे सब कुछ उल्टा है। भगवान ही वजह हमारे इंडिया को, हमारे देश को, पता नहीं ऐसे बेवकूफ पॉलिटिशियंस रहेंगे तो हम लोग ही मरने वाले हैं, इन लोग को कुछ नहीं होने वाला है। सो बी केयरफुल कि आप किसको वोट देते हो, कैसा इंसान है, क्या नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिए, पॉलिटिशियंस कभी भी लोगों के लिए काम नहीं करता, वो सिर्फ अपना जेब भरने के लिए काम करता है। यस, कौन कितना माल कमाएगा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।